प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशनगंज के शहीद इंस्पेक्टर की बंगाल में हुई हत्या के लिए सीएम ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में मां और बेटे की चिता एक साथ जली, जिसे देखकर सारा देश स्तब्ध रह गया। पीएम ने वर्धमान में अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही। आपको बता दें कि थानेदार बंगाल में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए थे, जिसमें उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। एक मां और एक बेटे की चिता साथ में जलाई गई। कौन था वीर जवान? वो वीर जवान दो दिन पहले अपने कर्तव्य का पालन करने बंगाल की धरती पर आया था, लेकिन यहां बंगाल में पीट पीट कर उस पुलिस अफसर की हत्या कर। मधुबनी नरसंहार मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। साथ ही सरकार से पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। इस दौरान जाप सुप्रीमो ने सत्ता पक्ष के विधायकों को राजनीतिक उन्माद न फैलाने की हिदायत भी दी। पार्टी के तरफ से 1.5 लाख रुपया अभी मदद हम लोग यहां कर रहे हैं। शादी में पूरी खर्चा पप्पू यादव की और बहन की शादी में पूरी खर्चा पप्पू यादव। लेकिन पुनः एक बार अंतिम में हम कहेंगे कि विनोद नारायण झा जी और दोनों भाजपा विधायक से कि अपने चाल चरित्र को सुधारिए, अन्यथा कोई नहीं बचा है, इस प्रदेश में कोई रावण नहीं बचा है।